दोस्तों, एक बार एक थिएटर में 10 मिनट की एक फिल्म लगी। उसे दुनिया की द बेस्ट फिल्म कहा जाता था। उसको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हुए थे। इस फिल्म को हर कोई देखना चाहता था। बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए भी आए और फिल्म शुरू हुई। पहले ही सीन में एक सीलिंग को दिखाया गया। लोग बड़े ही ध्यान से देख रहे थे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इतनी अच्छी फिल्म है, इतने अवार्ड्स मिले हैं कि इसे दुनिया की द बेस्ट फिल्म कहा जाता है। पता नहीं कि क्या होगा इस फिल्म के अंदर। 1 मिनट पूरे हो गए, 2 मिनट पूरे हुए, लेकिन वो फ्रेम चेंज नहीं हुआ। सीन में वही बस सीलिंग आ रही थी। लोग आसपास देखने लगे कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया या शायद रील अटक गई है। लेकिन 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए और 5 मिनट पूरे हो गए। अब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा आ रहा था लोगों को। आसपास देख रहे थे, कह रहा था कि कोई मजाक चल रहा है क्या। 7 मिनट हुए, 8 मिनट पूरे हुए और 9 मिनट भी पूरे हो गए, लेकिन वो फ्रेम चेंज नहीं हुआ। अभी भी स्क्रीन पर वही सीलिंग की फ्रेम थी। अब लोगों का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। कुछ लोग जोर जोर से गालियाँ भी देने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे और बहुत सारे लोग थिएटर छोड़कर निकलने लगे। तभी फ्रेम चेंज हुई और इस सीन में एक आदमी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और ऊपर देख रहा था। यह देखकर सन्नाटा छा गया। उसके बाद फिर से फ्रेम चेंज हुई और फिर से वही सीलिंग वाली फ्रेम आ गई। बस नीचे लिखा हुआ था कि आप लोग इस सीन को 10 मिनट भी नहीं देख पाए। आप गुस्सा हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया और आप थिएटर से भागने लगे। और ये आदमी जो हॉस्पिटल के बेड पे ना जाने कब से लेटा हुआ है, कई सालों से सिर्फ यही सीन देख रहा है और पता नहीं कि कितने आने वाले सालों तक यही देखेगा, क्योंकि वो मजबूर है। वो आदमी अपनी मर्जी से अपनी नज़र भी नहीं घुमा सकता, वो हिल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, वो गुस्सा भी नहीं कर सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, आपकी तरफ फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल सकता। सिर्फ देख सकता है जो दृश्य है, आप 10 मिनट भी देख नहीं पाए। वो आदमी ना जाने कितने सालों से यही सीन देख रहा है। अगर आप अपनी पलके भी झपका सकते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि सच्चाई में प्रॉब्लम्स क्या हैं आप सोच भी नहीं सकते। द एंड। दोस्तों, जितने भी लोग थिएटर में थे सब एकदम चुप थे और अपनी लाइफ की वैल्यू शायद अब समझ गए थे। इसलिए दोस्तों, शिकायत करना बंद करिए और शुक्र बनाइए कि हम और आप अपनी पलके झपका सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।